अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है दोस्तों टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर। सबसे प्रीमियर मॉडल होगा टेक्नो कैमन 18 सीरीज का। आज की स्टूडियो में करते हैं भाई इसका हैंड्स ऑन वीडियो फर्स्ट इंप्रेशन और देखते हैं कि यहाँ पर हमें टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर जो है वो क्या ऑफर कर रहा है। और पाकिस्तान की मार्केट में फाइनली कैमन 18 सीरीज के तीनों ही फोन्स को अनाउंस कर दिया गया है। लॉन्च डेट एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा लेकिन भाई आपको कुछ ये नवंबर के जो है लास्ट वीक में कहीं लॉन्चिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। प्राइस के बारे में भी आइडिया नहीं है, बस हम ये बात करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या स्पेसिफिकेशन रखी जा रही है और मेरे फर्स्ट इंप्रेशन कैसे निकल कर आते हैं इस डिवाइस के साथ। और ये कैसी डिवाइस होने वाली है जो कि मिड प्रीमियम रेंज के अंदर एक बिल्कुल चेंज लेके आने वाली है कैमरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से। यहाँ हमें आज से पहले इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिली, तो देखते ही हैं कि यहाँ पर टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर हमें क्या ऑफर करता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो तभी आपको मिल पाएगी। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियमनेस की, जो कि मुझे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फीचर लग रही है इस फोन का। बिकॉज हम लोग जब भी मिड प्रीमियम रेंज में आते हैं हम लोग किसी भी बिल्ड क्वालिटी या किसी भी डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि भाई कितनी प्रीमियमनेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको रियर साइड पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी जो कि AGC ग्लास बिल्ड क्वालिटी है। स्मजेस कम पड़ेंगे, उसके साथ साथ ड्यूरेबल भी मैं बोलूंगा और यहाँ पर आपको स्क्रैचेस भी जरा कम देखने को मिलेंगे और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है ये फोन। और रियर के कैमरा बम की बात करते हैं तो बिल्कुल भाई फ्लैगशिप लेवल की आपको जो है लुक देखने को मिलेगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बड़े बड़े सेंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें गिम्बल कैमरा भी है, इसमें पेरिस्कोपिक लेंस भी है और इसमें मेन सेंसर भी है। क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट है। रियर पर आपको टेक्नो की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, टेक्नो कैमन की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस कराने वाला है। और बैक साइड अलग से बनाया गया है, फ्रेम आपको अलग से देखने को मिलता है, फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है। और थिकनेस की बात करते हैं तो 8.2 mm की आपको थिकनेस मिलेगी। वेट इस फोन के अंदर 200 ग्राम का रखा गया, वेट इंप्लीमेंट मुझे काफी बेटर लगा वैसे इस फोन का। और वहीं बटन प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपको बिल्कुल राइट साइड पर जो है वो ऑन ऑफ की और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा इस फोन के अंदर। साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड लगाया गया और वहीं पर आपको ऊपर वाली साइड पर वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाती है। और सबसे ऊपर वाली साइड जो होती है वहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉइस कैंसलेशन माइक। और जो लेफ्ट साइड है वहां पर आपको सिम ट्रे मिलती है और सिम ट्रे को भी बड़े तरीके से सॉर्ट आउट किया गया है। लाइक छोटा साइज जरूर बनाया गया है जहां पर आप दो सिम्स के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, मतलब एक्सटेंडेबल स्टोरेज वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है। बॉटम की साइड पर टाइप सी की कनेक्टिविटी, 3.5 का जैक और साथ ही आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रहा है और एक माइक भी यहाँ पर रखा गया है। दैट्स मीन कि यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन और स्टीरियो माइक की सपोर्ट देखने को मिलेगी। इन एंड फील मुझे इस फोन की फर्स्ट इंप्रेशन में काफी बेटर लगी और मैं कहूंगा कि भाई नो डाउट जो मिड प्रीमियम रेंज है ना उसको प्रीमियम बनाने की टेक्नो ने पूरी की पूरी कोशिश की है। बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की। अब 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है, बिल्कुल सेंटर में पंच होल कट आउट है और एक एमोलेड पैनल आता है। बट यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड वाला आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है और 550 का आपको पीक ब्राइटनेस मिलेगा। इंडोर विजिबिलिटी नो डाउट फर्स्ट इंप्रेशन में काफी बेटर लगी है। वैसे मैंने इसको आउटडोर में भी चेक किया है, मुझे ब्राइटर लगा बट नॉट एज मच एज जितने मतलब 1000 पीक ब्राइटनेस मिल रही होती है। लेकिन ओवरऑल विजुअल एक्सपीरियंस जो विजुअल था वो बिल्कुल क्लियर था जो डेलाइट की थी। पंची कलर है डिस्प्ले के और उसके अलावा यहाँ पर 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग है, टच भी रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पर आपको ड्रैगन टेल की फ्रंट साइड पर जो है ना कोई प्रोटेक्शन रखी गई है, पंच होल का कटआउट इवन काफी एमोलेड पैनल में काफी छोटा सा जो है वो लगता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो 87% के है, बेजल साइड वाले कम है ऊपर और जो चिन है इसमें आपको तकरीबन एक जैसा ही बेजल देखने को मिलेगा। तो यस, यहाँ पर डिस्प्ले की कैटेगरी में भी टेक्नो ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। डिस्प्ले विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफी पसंद आने वाला है आपको। वहीं बात करते हैं कुछ परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पर आपको मिलेगा खेलियो जी 96 मिलेगा, ये भी 12 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस में बनाया गया प्रोसेसर है जो कि हल्का सा ट्विक वर्जन, एक अपग्रेडेड वर्जन है मिलेगा खेलियो जी 95 का। 2.05 की आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी सीपीयू की। जीपीयू माली GC57 का देखने को मिलेगा। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स विद एंड्रॉइड 11 की आपको यहाँ पर जो है वो UI देखने को मिलेगी। और ये वाला हार्डवेयर जो बेंचमार्क स्कोर रन करता है ये वाला फोन फिलहाल 8GB 256GB में अवेलेबल किया गया है। 280,200 के अराउंड जो बेंचमार्क स्कोर निकल कर आते हैं। और यहाँ बेंचमार्क स्कोर की ऐप जो है फिलहाल इस फोन के अंदर ये नहीं बता रही कि भाई ये UFS 2.1 है या 2.2 है, बट आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि UFS का आपको कोई ना कोई स्टोरेज मिलेगा। तो अनबॉक्सिंग की वीडियो आएगी उसमें हम लोग आपको जरूर कन्फर्म कर देंगे। ब्रॉडवेज इस फोन में तो कम है लेकिन जो रिटेल यूनिट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट इंप्रेशन मैंने गेमिंग वगैरह के साथ भी किया है, कुछ रैम मैनेजमेंट को भी देखा है, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो रिटेल यूनिट जो है वो आएगा तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। बट यहाँ पर आपको 8GB 128GB और 8GB 256GB दोनों में से जो एक वेरियंट तो है पाकिस्तान में मिलेगा, बट राइट नाउ आई एम नॉट कन्फर्म कि कौन सा वेरियंट आता है, बट आपको 256GB वाला वेरियंट भी मिल सकता है। प्राइस की आगे चल के थोड़ी सी बात करता हूँ आइडिया क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर 32 MP का सेंसर है जो कि 1080p 30fps और 2K की वीडियो को सपोर्ट करता है फ्रंट साइड पर। लेकिन यहाँ पर कैमरा UI ऐप में आपको भर भर के AI फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं
और उसके साथ साथ ही कुछ रियर कैमरा में एक नेक्स्ट लेवल स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है ये फोन, क्योंकि मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का f1.9 का अपर्चर है, 12 मेगापिक्सल का आपको एक गिम्बल कैमरा मिल जाता है, लाइक आप स्टेबलाइज वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो और आपको काफी वाइडर एरिया जो है वो देखने को मिलता है। मतलब अपने रेंज का ये पहला फोन है जो कि गिम्बल कैमरा टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा और साथ के साथ आपको एक 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस मिलता है जो कि 5x ऑप्टिकल जूम और साथ के साथ आपको 60x हाइब्रिड जूम जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब मैंने इसको कुछ चेक करने की कोशिश की है, नो डाउट 5x की जो डिटेल है वो काफ़ी ब्राइटर इमेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है तो यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन भी अच्छी बेटर देखने को मिलेगी, इवन आप अगर कोई पिक्चर कैप्चर करते हो तो ब्लर 5x तक तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन 60x की बात करते हैं तो यस उतनी डिटेल मत जो है वो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा जो कि फ्लैगशिप लेवल में होती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको 60x का चांद वाला जो है वो जूम देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड आपको AI फीचर्स के अंदर मून मोड भी मिल जाता है और अगर आप किसी को स्पाई करना चाहो तो एटलीस्ट शक्ल जो है वो क्लियरली दिखा देता है। बाकी ओवरऑल हम इसको जो रिटेल यूनिट आएगा उसको ऑब्जर्व करके बताएंगे और अल्ट्रावाइड सेंसर पर मैंने स्टेबलाइजेशन भी चेक, गिम्बल कैमरा है इसकी मैंने स्टेबलाइजेशन भी चेक करने की कोशिश की है, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक स्टेबल मोड मिलता है उसको ऑन करने के बाद, अपनी प्राइस सेगमेंट में काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबलाइज इमेज प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम लोग रिव्यू भी उतरेंगे तभी अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर कर पाएंगे, राइट नाउ जो है ये फर्स्ट इंप्रेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है तो यस मैं कहूँगा कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज एक अच्छी चॉइस जरूर निकल कर आती है और रियर कैमरा भी जो है वो 2K तक की वीडियो को सपोर्ट करता है और यहाँ पर जो रियर कैमरा में नए नए फीचर्स जो AI के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसा कि हमें एप्पल की या वीवो के फोन में भी देखने को मिलते हैं, लाइक आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हो, तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिसको एक्सप्लोर करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे आफ्टर लॉन्चिंग दिस फोन। अब इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको 4750 mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग की ऑफर की जाएगी टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर में और उसके साथ साथ साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, NFC की सपोर्ट मिलती है और यहाँ पर आपको जो है सिंगल स्पीकर क्वालिटी देखने को मिल रही है टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर। अब ये है टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर, आपको कैसी लगी ये डिवाइस ऑन पेपर और यहाँ अगर आप लुक पे भी जो गौर कर रहे हो तो आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो मिड प्रीमियम रेंज को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं टेक्नो जैसे ब्रांड और यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन ऑफर की जा रही है नो डाउट ये पहला फोन होने वाला है इस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ। बाकी क्या एक्सपीरियंस रहता है अनबॉक्सिंग की वीडियो में भी इंक्लूड कर लेंगे और बाकी डेडिकेटेड जो कंपैरिजन और रिव्यूज हमारे चैनल पर चलते रहते हैं उसमें भी आपको पता लग जाएगा ये फोन कैसा है कैसा नहीं, मेरे ओपिनियन में काफी प्रीमियम डिवाइस निकल कर आती है। तो आज की वीडियो में देखिए मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग किसी नए रिव्यू किसी नए कंपैरिजन के साथ, तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं हूं अली बास नासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।